मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नर्सिंग घोटाले में शामिल कॉलेजों पर बड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। कॉलेजों को सील करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, कॉलेजों को सील करने के निर्देश। 31 जिलों के कलेक्टर्स को सौंपे लिस्ट। भ्रष्ट पर सख्त मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। ये कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर की गई सीबीआई जांच में अनफिट पाए गए। सरकार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई के निर्देश संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दे दिए हैं। इसके लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने कलेक्टरों को अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की सूची भेज दी है। इनमें 6 कॉलेज भोपाल के हैं। सोमवार को इंदौर में जिला प्रशासन ने 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती आई है। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के उन 66 नर्सिंग कॉलेज में तालाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं, जो अपात्र थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। मध्य प्रदेश की भूमि पर भ्रष्टाचारी के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए कार्रवाई में राहत दी है। इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे, विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। वैसे इस मामले में कांग्रेस भी मुखर है। देखा जाए तो गड़बड़ी उजागर करने का श्रेय लेने में कांग्रेस पीछे नहीं है और सरकार को कोसने में भी। और निश्चित ही मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ये व्यापक मां घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे मध्य प्रदेश में 66 कॉलेजों पर दिखावी कार्यवाही की है। निश्चित ही 200 से ज्यादा फर्जी कॉलेज जो कागजों में संचालित किए जा रहे हैं, उन पे कार्यवाही कब होगी इसकी जानकारी सीएम साहब को देनी चाहिए। और निश्चित ही हमारे पास पूरे घोटालों के साक्ष्य उपलब्ध है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने प्रदेश के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसुटेबल बताया है। इनमें सबसे ज्यादा 8 कॉलेज बैतूल जिले के हैं। भोपाल दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला मामले में 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में सीबीआई के अधिकारी भी है, जिसमें से एक को बर्खास्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।